बूंदी जिले में भी बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर जिला प्रशासन और चिकित्सा महकमा अलर्ट मोड पर आ गया है। आमजन को कोविड गाइडलाइंस की पालना की अपील के साथ सख्ती भी की जा रही है। वहीं केंद्र सरकार की पहल पर शुरू हुए 15 से 18 वर्ष के बच्चों को कोरोना रोधी वैक्सीन लगाए जाने के अभियान ने भी गति पकड़ ली है। बच्चों में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने को लेकर अभिभावकों में उत्साह है। बच्चे भी टीकाकरण के प्रति उत्साहित नजर आ रहे हैं। सैंपलिंग के पश्चात आइडेंटिफाई हुए हैं। पिछले 3 दिनों से लगातार रैली और अन्य विभिन्न प्रयोगों के माध्यम से जो है समझाइश की जा रही है। सोमवार से चालान की कार्रवाई भी सभी जिला मुख्यालय उपखंड मुख्यालयों पर प्रारंभ कर दी जाएगी। जहां तक कोरोना को लेकर तैयारियों के प्रश्न है तो पूरे ज़िले में कुल 510 बेड्स अवेलेबल हैं, जिसमें से 450 ICU बेड्स हैं। उसके अलावा 500 के करीब कंसंट्रेटर पूरे ज़िले में मौजूद हैं। मेडिसिन की पर्याप्त उपलब्धता है। सोमवार से नगर परिषद आयुक्त को निर्देश दिया गया है कि पूरे सिटी एरिया है उसमें सैनिटाइजेशन का काम भी प्रारंभ किया जाए। लोगों से यही अपील रहेगी कि मास्क लगा के रहें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें। ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे 15 से 18 वर्ष के बच्चों की भी वैक्सीन आ चुकी है। इससे बच्चों को भी अब कोई खतरा नहीं है। एग्जामिनेशन में भी उनको अच्छे से मतलब अब कोई खतरा नहीं है कि उन्हें कोरोना हो सकता है। क्लास 12th की स्टूडेंट हूँ और मेरा अब वैक्सीनेशन हो चुका है। अब मैं अपनी क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम बहुत ही आराम से दे सकती हूँ। बहुत खुशी हुई कि मेरा वैक्सीनेशन हो गया है और बहुत लंबे समय से हमें वैक्सीन का इंतज़ार था, जो कि 15 से 18 वर्ष के लिए बच्चों के लिए भी आ गई है और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ इसका।